ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली दर्पण टीवी आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लॉरेंस रोड में जहां पर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और आज इसका आखिरी दिन है। यहां पे बहुत सारी महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले आप बताइए कि जिस तरह से यहां पर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है तो बिल्कुल अलग फील्ड है, अलग जॉनरा है, तो क्या सोचती हैं आप कि लड़कियों का घर से बाहर निकलना कितना ज़रूरी है और अपनी पहचान बनाना कितना ज़रूरी है? नहीं, देखिए, ये पावर लिफ्टिंग का सबसे बड़ा कंपटीशन है फेडरेशन का, तो इस पे जो लिफ्टर लोग आया है, लड़की हार्ट स्टेट से आया है, तो पहले पहले जब पावर लिफ्टिंग होता था उस पे लेडीज़ थोड़ा सा कम था, अभी इसका राज भी बन गया ज़्यादा, क्यों ना इससे प्लेयर लोग का सर्विस भी मिलता है, तो अलग पहचान है आपका गाँव में। कोई कोई दूर दूर गाँव से आया है जिसका उधर लेडीज़ आगे नहीं, स्कूल में भी नहीं पढ़ता, तो हम लोग को गांव में भी इसका कंपटीशन चालू किया था, उधर से लड़की लोग आ रहा है तो इसका राष्ट्र बन गया। और हम लोग का तो लेडीज़ का बहुत ज़रूरी है बाहर आने के लिए, तो ये लोग आ रहा है, मतलब इसका पीछे इसका सिस्टर भी आएगा, बाजू वाला गाँव से भी आएगा, तो ये लोग मेरा हम लोग का फ़ायदा है, क्यों ना लेडीज़ आगे जाएगा तो लेडीज़ और जेंट्स एक साथ काम करने वाला है। जैसे कि काफ़ी अलग ये फील्ड है तो इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, तो आपको ऐसा लगा कि जैसे गांव में शुरुआत होती है तो आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसे अपने प्रोफेशन के लिए चुना, तो कुछ क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़ा? बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। और मेरा नाम बानू है और मैं चेन्नई की हूँ। यहाँ पर आके ना बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला और मेरे पीछे ना पूरे 25 लोग जो इनके तरफ से आगे निकल रहे हैं ना और मेरे तरफ से मेरे पीछे आ रहे हैं। अभी मैं इनके हाथ लेके सामने जाने का बहुत कोशिश करूँ और पूरा तमिलनाडु मेरे साथ है और वापस जाके बना के ले आऊँगी इधर पे, ये मंच पे ज़रूर ले आऊँगी। पूरे महिला को क्या बोलते हैं, पूरा चेन्नई को दिल्ली वाला सपोर्ट चाहिए और हम लोग ज़रूर करेंगे इधर पे। इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि चेन्नई का नाम ये बिल्कुल रोशन करेंगी और यहाँ से जीत कर ही जाएंगी। पेरेंट्स का सपोर्ट होता है क्योंकि इंडिपेंडेंटली अगर मैं अभी मास्टर वन में खेल रही हूँ तो लाइक पेरेंट्स अब जाकर मोटिवेट करते हैं कि ना अभी लाइफ को मुझे आगे जाकर ये करना है सेल्फ और मेरे बच्चों को आगे मोटिवेट करना है, तो पेरेंट्स हर तरह से सपोर्ट करते हैं, इमोशनली ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअली आई एम सेपरेट फ्रॉम कोलकाता, तो ना स्टेइंग इन मुंबई, तो मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। महाराष्ट्र को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ आपको इस चैम्पियनशिप से सीखने को मिल रहा है। मैम, ये चीज़ सीखने को मिली एक तो मैम कि जो सबको लगता है कि हम नहीं कर सकते, यहाँ पे आके मैम स्ट्रेंथ पता चलती है एंड मैम पता चलता है कि हमारे घर वाले ने जो भी चीज़ें दिखाई हैं या फिर सर ने जो भी बोला है तो वो हमने कितना सीखा है और सारी चीज़ें। लेकिन मैम, और कुछ लोग बोलते हैं कि गर्ल्स नहीं कर सकती मैम, तो वो चीज़ भी होती है कि मैम ऐसा कुछ नहीं है कि जो लड़कियाँ नहीं कर सकती। और यहाँ पर चंद्रकांता जी भी हमारे साथ मौजूद है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मैम, आप ये बताइए कि इस चैंपियनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से ये लड़कियों को मंच प्रदान करता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करें? देखिए, जिस तरीके से चारों तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आ रही है तो और हर तरीके से सशक्तिकरण तो हर स्तर पर होना चाहिए, तो महिलाओं को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देने का काम ये फेडरेशन कर रहा है और मुरारी लाल जी इस संदर्भ में लगातार सालों साल से इसके उसमें कर रहे हैं। मैं उनको पहले उनको बधाई देना चाहती हूँ और महिलाओं को किसी भी रूप में कम नहीं समझना चाहिए। महिलाओं को सिर्फ ये ऐसा सोचा जाता है कि वो नाजुक हैं और वो बनी है लाइक वो कुछ नहीं कर सकती, इनमें लड़कों के जैसे स्ट्रेंथ नहीं आ सकता, बट मैम ऐसा कुछ नहीं होता मैम। एंड सबसे स्पेशली तो मैम थैंक्स मैं बोलना चाहूँगी लाइक मैं मोहित सर से एंड राजीव सर से जो मेरे कोच हैं एंड मैम द स्टेटस जिम से हम आए हैं और मेरा फर्स्ट टाइम है मैम ये, लाइक मैंने कभी नहीं किया, बट मैम ये भी नहीं एक्सपेक्टेशंस होती कि हम यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन मैम जो सर ने और जो सारी चीज़ें उनको देख के और फैमिली की स्ट्रेंथ देख के मैम अपने आप आ जाती हैं ये चीज़ें सारी। और सबसे ज़्यादा ये फेडरेशन ने जो किया है ना मैम वो लड़कियों के लिए भी, लाइक पहले होता था कि सिर्फ लड़कों के लिए अखाड़ा एंड ऑल ये सारी चीज़ें, बट हम लड़कियों के लिए जो इन्होंने किया तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। थैंक यू। और
और मुरारी लाल जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, यहाँ पे जो गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उनके जोश को देख के बहुत खुशी हो रही है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो चैम्पियनशिप है ये किस तरीके से लड़कियों को लॉन्च पैड प्रोवाइड करती है? जितनी गर्ल्स हैं मैं तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है जितने लड़कों में जोश कम है, लड़कियों में इतना ज़्यादा जोश है कि उनसे 60% लड़कियाँ ज़्यादा वेट उठा रही हैं, तो मुझे तो बड़ी खुशी की बात है। और ऐसी लड़कियाँ जो पूरे देश से आई हों, अपने पूरा परिवार को छोड़कर और यहाँ पे एक कंपटीशन में भाग ले रही हैं, तो मैं तो इनके बधाई के पात्र हूँ, और मैं तो कहूँगा आगे आगे बढ़ बढ़ कर ना, इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सर, क्या कहेंगे कि यहाँ पर असल में जो आमिर खान वाला दंगल है वो देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, पूरा दंगल मिल रहा है, पूरे इंडिया का दंगल देखने को मिल रहा है। और मैं चाहूँगा जितना कोरोना वायरस की वजह से जो बच्चे इतने उत्साह दिखा रहे हैं, इतने जोश को दिखा रहे हैं, ये देखिए अगर ये हवा नहीं फैली होती कोरोना वायरस की, तो मुझे लगता है कि यहाँ जगह पैर रखने को मिले। इतना बढ़िया प्रोग्राम और इतना अच्छा प्रोग्राम इन गर्ल्स की वजह से इतना अच्छा चल रहा है कि मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से। यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स मौजूद हैं इस चैम्पियनशिप में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनका कहना है कि उनके माँ बाप ने, पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उन्हें यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बात की, बहुत ही अलग जॉनरा है, बहुत बार क्रिटिसिज्म बहुत झेलना पड़ता है अपनी सोसाइटी के लोगों से, उसके बावजूद भी यहाँ पर लड़कियाँ आई हैं और अपना दमखम दिखा रही हैं, असली दंगल यहाँ पर छिड़ा हुआ है इन लड़कियों के बीच में। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ खुशबू शर्मा।